हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साफलानर श्रेणी अष्टम पिले जो मैंने चलित बर्ष अर्थात 2023-24 शिक्षा वर्ष रे एनएमएमएस वृत्ति परीक्षा देवाई चाहूँछ तो सेमानक पे एक बहुत बड़ अपडेट आसी तमने पिला माने जथा शीघ्र अप्लाई करबा स्टार्ट कर दियो। ठीक अछि ना? जान रख पिला माने 2023 नवंबर 5 तारीख रे तमर एनएमएमएस वृत्ति परीक्षार एग्जाम हबो। आउ पिला माने एथिपें जो आवेदन 5 तारीख रे आरंभ होई सारी छी आउ अगस्त मास 31 तारीख होची तार लास्ट डेट सेथिपें फटाफट अप्लाई करिया पड़िबो। तो आज रे वीडियो में डिस्कस करबा ते तमने अति सहज रे आउ अल्प समय रे किपोरी अप्लाई करि परिबो एही एनएमएमएस वृत्ति परीक्षा को जहादर तमने मासुको 1000 लेखाय पाखा पाखी 48000 टंका पाई परिबो। ठीक अछि ना? तो चलो स्टार्ट करबा। एथिपें सर्वप्रथम पिला माने मु वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे गोटे लिंक दे दीची से लिंक रे तम माने जेबिदी क्लिक करिवो तम एही पेज रे पहुंचिवो। ठीक अछि ना? किमा तम माने सीधा सलक क्रोम ब्राउजर को जाई सेठरे टाइप करि परिवो ntse.scertodisha.nic.in एतिकि जदि सर्च करिवो तो तम एही पेज रे पहुंच परिवो। एहा पर पिला माने तम माने तळ को स्क्रोल करिवो एटी देखो लेखा दीची एप्लीकेशन फॉर एनएमएमएस 2023-24 अवश्य एडे सिना एनएमएमएससी लेखाई छी किंतु एडा होची एनएमएमएस एग्जामिनेशन 2023-24 जोटा तुम ये देखी पार्थ। तो जमी पे तुम ये क्लिक कर तो देख कौन हो गोटे नुआ पेज आसो जो लिखा जाइए एनएमएमएस एग्जामिनेशन 2023-24 ये लिखा जाइए सिलेक्ट एग्जामिनेशन फॉर तापर ये देख सिलेक्ट जो देखिए आप क्लिक करवा जमी क्लिक करवा गोटे नुआ पेज ओपन गोटे नुआ पॉपअप गोटे आसला जो लिखाई नेशनल मीन्स कम मेरीट स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन एनएमएमएस एग्जामिनेशन तो ये आम क्लिक करवा जमी पे आम से क्लिक करचे तो गोटे नुआ पेज ओपन है ये निजर डाटा सब फिलअप कर जमी कि देख ये प्रथम देला नेम ऑफ द कैंडिडेट मीन जो पिला यही वृत्ति परीक्षा देवाक चाहूँगी से पिलार ना पे लिख नेम ऑफ फादर से पिलार बापार ना पे लिख। ठीक अच्छे ना? सब जाक पे कैपिटल लेटर लिखिद नेम ऑफ द मदर पिलार माँ ना ये लिख जेंडर पिलाटी पुओ ना झील जदि पुओ हो मेल झी हो फीमेल डेट ऑफ बर्थ जन्मदिवस के ना प्रथम डेट मैंने तारीख तापर मस तापर मसीहा ये टाइप करापर पे मैंने छः नंबर देला एरिया इन ह्विच कैंडिडेट रिसाइड्स क्यों प्रकार एरिया पिलाटी रोचे जो आम से क्लिक करूँ पे मैंने से आमको रूराल और अर्बान देखुच मीन ग्रामांचल ना सहरांचल तो जहाँ थोड़ा ता अनुजाई तुम टिक कर तापर पे मैंने रिलीजियस तो रिलीजियस जो लोक जो प्रकार रिलीजियस थी से मुस्लिम हो कि शिख हो कि बुद्धिस्ट हो कि क्रिश्चियन हो कि आम हिंदू हो कि अदर हो जो कैटेगोरी बिलंग करा क्लिक करतापर केस्ट कैटेगोरी जातिगत अर्थात तुम मानक जब कौन जाति ना तेज जेनेल क्लिक कर एससी होते एससी एसटी होते एसटी ओबीसी कि एससीबीसी होते एससीबीसी क्लिक कर। ठीक अच्छे यापर डिजेबिलिटी स्टाटस ऑफ द कैंडिडेट मीन्स जदि गोटे पिला भिन्नक्षम अच्छी तेज से कौ प्रकार भिन्नक्षम अच्छी से अंधवाला भिन्नक्षम अच्छी ना ताको सुबुनी ना कौन से लोकोमोटर वाला डिजेबिलिटी ना ऑटिज्म माने कहबारे किसी प्रॉब्लम होते डिजेबिलिटी ना मल्टीपल डिजेबिलिटी ना आउ किसी तो आप जो थी तापर क्लिक करा पड़ो। ठीक अच्छे ना? सपोज मैंने मन कर ब्लाइंडनेस जो क्लिक करवा तो देख कौन दौर ना से किसी आसुनी अवश्य हो। ठीक अच्छे छाड़ नेक्स्ट पे देख पे ये पोस्टल आड्रेस आसला ये एट पे एट जगह पे निजर गाँव ना लिख ना लिख पोस्ट ऑफिस लिख तापर जिलार ना ये मेनसन हे जिलार ना पे टाइप कर ब्लॉक भी शो कर जो जिला अंडर सरी जो जिला अंडर जितकी ब्लॉक अच्छी ता शो कर देखिपर जमी देख पे आम सपोज जो मनकर डिस्ट्रिक्ट सपोज बालेश्वर मार्ची तो जमी बालेश्वर मारि तो बालेश्वर जिला अंडर जितकी ब्लॉक अच्छी सब जगह मत शो कला तो से अनुजाई तुम चेकआउट करपर पिनकोड भी ये लिख नेम एंड आड्रेस अफ द इनट्यूशन इन हुई स्टडिंग इन क्लास एथ लेवल मैंने अष्टम क्लास बर्तमान तो निहत पिलाटी अष्टम क्लास तो पढ़ु तो से कौ मैंने से जो स्कूल रे अष्टम क्लास पढ़ू से स्कूल आड्रेस ये लिख। ठीक अच्छे ना? पिलार आड्रेस ये लिखा आउ स्कूल आड्रेस ये लिखा तो प्रथम जिला को मेनसन कर ब्लक को स्कूल ना तो जमी जिला मेनसन कर ब्लक जगह आसो जमी ब्लक मेनसन कर ब्लक अंडर जी स्कूल थी तार ना आसो स्कूल आड्रेस ये टाइप करा पड़ो तार पिनकोड देवा पड़ो। ठीक अच्छे तो टाइप ऑफ इंस्टीट्यूशन से स्कूल कौ प्रकार स्कूल अटे मानने
ଦେଖ କ'ଣ ଦେଖାଉଛି ଏଥିରେ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସ୍କୁଲ ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ଼େଡ଼୍ ସ୍କୁଲ, ମିନ୍ସ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସ୍କୁଲ ହେଇଥିଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏଡ଼େଡ଼୍ ବୋଲି ମାରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଏରିଆ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସ୍କୁଲ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ଼୍, ସ୍କୁଲଟି କେଉଁ ଏରିଆରେ ଅଛି, ମିନ୍ସ ରୁରାଲ ନା ଲୋକାଲ ସରି ଅର୍ବାନ। ତାପରେ ସେଟା ଫ୍ୟାମିଲି ଡିଟେଲ୍ସ, ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ବାପା କେତେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବାପାଙ୍କର ଅକପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ, ମିନ୍ସ ସେ ବୃତ୍ତି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ମାଆଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍ କ'ଣ, ମାଆଙ୍କର ଅକପ୍ସନ୍ କ'ଣ ଅଟେ, ମିନ୍ସ କ'ଣ ବୃତ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟାଲ ଇନକମ୍ କେତେ। ସେଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା କ୍ଲିଅରଲି ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଯେକୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ 350,000 ଟଙ୍କାରୁ କମ୍ ହେଇଥିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି 350,000 ଉପରେ ଯଦି ପକାଉଛ ବୋଲେ ତୁମର ସେଇଟା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ନିହାତି ଭାବେ 350,000ରୁ କମ୍ ହିଁ ପକାଇବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଡିଟେଲ୍ସ, ଟେଲିଫୋନ୍ ନମ୍ବର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବ, ଟେଲିଫୋନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଇମେଲ୍ ଆଇ ଡ଼ି ବି ଯଦି ଅଛି ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଦେଇଦେବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଏଠି ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଅଛି, କ୍ୟାପ୍ଚା କୋଡ଼୍ ଏଠି ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି ତାକୁ ଏଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବ, ତା ଉପରେ ପିଲାମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ। ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ସବମିଟ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବ ଗୋଟେ ନୂଆ ପେଜ୍ ଆସିବ, ଗୋଟେ PDF ଆକାର ଆସିବ, ଠିକ୍ ଅଛି ନା, ତାକୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିଦେବ, ସେଇଟାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବ। ପ୍ରିଣ୍ଟଆଉଟ୍ କଲା ପରେ ସେ ସାଇଡ଼୍ରେ ପିଲାମାନେ ଫଟୋର ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଫଟୋ ଲଗେଇବ, ସେଠି କ୍ୟାଣ୍ଡିଡ଼େଟ୍ର ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ବୋଧେ ମେ ବି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ର ବି ସିଗ୍ନେଚର୍ ଦେଇଥିବ, ସେଇଟା ଧରିକି ଯିବ ତୁମ ସ୍କୁଲକୁ, ସ୍କୁଲରେ ନେଇକି ସବମିଟ୍ କରିଦେବ। ତୁମ HM କ'ଣ କରିବେ ନା ସେଇଟାକୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ତାହେଲେ ଅପସନ୍ ଥିବ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସାଇନ୍ କରିବେ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ପଠାଇଦେବେ DEO ଅଫିସ୍କୁ, ପଠାଇଦେବେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏଜୁକେସନ୍ ଅଫିସ୍କୁ ପଠାଇଦେବେ। ପଠାଇଲା ପରେ ତୁମମାନେ ପରୀକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଇଲିଜିବୁଲ୍ ହେଇଯିବ।